मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित गणेश नगर म्युनिसिपल स्कूल में बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के मौजूदगी में वृक्षारोपण कर वरिष्ठ पत्रकार गोविंद ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बीजेपी नगर सेवक कमलेश यादव, संजय सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोपाल शेट्टी का कहना था, सभी को अपने जन्मदिन में पोस्टर लगाने से अच्छा वृक्षारोपण करना चाहिए। और क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का मीडिया से खास बातचीत में, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। कोविड के दरमियान 5000 बोतल का रक्तदान का मैंने घोषणा किया और सभी पार्टी के कार्यकर्ता और एनजीओ से मिलकर उसको हमने पूरा किया। हम 6000 से आगे बढ़ गए, तो मुझे लगा कि इस प्रकार का एक नया पराक्रम पेड़ लगाने के बारे में भी हमने करना चाहिए। तो उत्तर मुंबई में 5000 पेड़ लगाने का संकल्प मैंने किया और संकल्प करने के बाद में बहुत सारे जगह पर पेड़ लगाने के बाद में एक जगह पर मैंने भाषण किया कि अगर कोई सोसाइटी में या तो सोसाइटी में रहने वाला अपना जन्म दिवस के अवसर पर अगर वो 5 पेड़ भी लगाता है तो मुझे बुलाएगा तो मैं आऊँगा, ये मैंने बात कहा था। तो गोविंद ठाकुर शायद उस दिन वहाँ पर वो उपस्थित थे, तो उन्होंने इस बात को कैमरे में ही नहीं उतारा लेकिन दिलों और दिमाग में उतार लिया और उसका जन्मदिन है। तो उसने मुझे कहा कि मैं दिल्ली था, तो मुझे कहा कि साहब आप आएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा मैं, और मैं उसके कार्यक्रम में आया। मैं गोविंद ठाकुर को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और बाकी भी सारे पत्रकार या अन्य अन्य लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस प्रकार का पेड़ लगाकर एक नया पराक्रम हमने करना चाहिए। ये जो पेड़ हमको आज दिखाई दे रहे हैं ये भी किसी ने लगाया था, कितने बड़े हो गए। जो पेड़ आज हम लगा रहे हैं वो 5 साल में इसी तरह का रूप लेकर एक बड़ा वृक्ष की तरह आएगा और समाज के लिए वो ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तो मैं गोविंद ठाकुर को उनके जन्मदिवस के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ और मेरी आवाज़ को जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों ने भी अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस प्रकार का काम करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो ऑक्सीजन इन पेड़ों के माध्यम से मिलेगा। जब जन्मदिन या बर्थडे का नाम आता है तो लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन वो बर्थडे पार्टी और इस तरह की सादगी से मनाए जाने वाले बर्थडे पार्टी किस तरह देखते हैं, कितना डिफरेंस है और किस तरह से बर्थडे पार्टी हर लोगों को मनाना चाहिए? देखिए, मैं दोनों बातों का समर्थन करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुले दिल का व्यक्ति हूं। मैं मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है या तो मेरे पास सुविधा नहीं है, इसलिए जिनके पास पैसे है उनका विरोध मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि वो जो बड़े बड़े होटल में जाकर या तो फिर अपने अपने इलाके में लोगों को खिला पिला कर जो कार्यक्रम करते हैं उसमें से भी लोगों को व्यवस्था हो जाती है, लोगों को काम मिलता है, वो भी करे, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी करे। पैसे वाले लोगों से भी मैं अपील करूँगा, आप अगर स्वयं रास्ते पर उतर के नहीं कर पाते हैं तो आप किसी एक एनजीओ को या तो किसी एक जनप्रतिनिधि को कह दो कि मेरे नाम से 50 पेड़ लगा दो। 50 नहीं लगाएगा, 2500 लगाएगा, कुछ तो लगेगा ना। और बाद में आपके पास पैसे है तो शाम को फिर एंजॉय करो, पार्टी करो होटल में जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन सिर्फ होर्डिंग लगाकर आप शहर का दृश्य बिगाड़ते हो, उसका मैं खिलाफ हूँ। जो भी व्यक्ति लगाता है होर्डिंग, तो आप जैसे पत्रकार हैं उसको जाकर पूछना चाहिए आपने शहर में 50 होर्डिंग लगा दिया, इसके अलावा आपने क्या किया, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। तो एक नया ट्रेंड चालू करो, चलो आज गोविंद ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर एक नया प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। जितने भी शहर में पोस्टर लगे होंगे बर्थडे का, उनको पत्रकारों ने घर पर जाकर पूछना चाहिए कि आपने होर्डिंग लगाया, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया, लेकिन इसके अलावा आपने क्या किया, तो इसमें से नई बात निकलेगी। तो ये विपक्ष से क्वेश्चन होगा या भाजपा के लोगों से? सारे लोगों को। मैं गोपाल शेट्टी जो भी कहता है वो गोपाल शेट्टी के लिए भी लागू होता है। मैं तो कभी लगाता नहीं, मेरे बच्चों को भी वो संस्कार मैंने दिए नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरा बच्चा भी अगर इस प्रकार का पोस्टर लगाता है जन्मदिन के अवसर पर तो उसको भी आप पूछिए, उसको भी पूछना चाहिए। थैंक यू। गोविंद ठाकुर एक उभरते हुए हमारे अच्छे पत्रकार हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। मैं तो माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में गोविंद ठाकुर देश के अव्वल पत्रकार बने, उनकी जो प्रतिभा है और निखर करके बाहर आए और देश की और समाज की अच्छे ढंग से सेवा कर सके। जो सच में खबर है उस खबर को लोगों तक किस तरह से पहुंचनी चाहिए और आम जनता की बात है वो टीवी के माध्यम के किस तरह से लोगों आम जनता तक या प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छा माध्यम और बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी हमारे गोविंद ठाकुर जी उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। मैं फिर से आपको कहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो सच में जो ज़रूरतें हैं उस चीज़ को पूरा करने का काम अपने टीवी पत्रकारिता के माध्यम से गोविंद ठाकुर जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो हमारे मित्र और उभरते हुए पत्रकार गोविंद ठाकुर जी को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और उन्होंने एक अलग ढंग से अपना जन्मदिन मनाया जिसको पर्यावरण की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, वृक्ष लगाना और ऑक्सीजन की समाज को ज़रूरत है,
ये काम उन्होंने एक समाज में एक पत्रकारों के लिए भी एक अच्छा संदेश दिया है कि वृक्षारोपण करके हमने अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, केक भी तो काटना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टीवी पे आप देखते एक समय चलता है कि पर्यावरण के बारे में हम चर्चा करते लेकिन प्रैक्टिकल में उतारने का काम गोविंद ठाकुर ने किया है, ये बहुत अच्छा संदेश सभी लोगों के लिए जाएगा। देखिए, गोविंद ठाकुर जी को पत्रकारिता के मामले में हम लोगों ने बहुत दिनों से उनको देखा है और उनका निष्पक्ष होकर जो उन्होंने पत्रकारिता किया है और हमेशा जो सच्चाई है उनको उन्होंने दिखाया और आज उनको यहाँ पर जन्मदिन के हम लोग बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो आज यहाँ पर पेड़ लगाकर जो उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो उन्होंने कोशिश किया है और ख़ास करके गोपाल सेट्ठी जी जो यहाँ के खासदार हैं हमारे, उनके द्वारा कही हुई बातों को लेकर उन्होंने लोगों के बीच में जाकर एक भावना उन्होंने प्रकट किया है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए झाड़ लगाएंगे। साथ आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।